लोजपा के अध्यक्ष और जमुई से सांसद चिराग पासवान ने शुक्रवार को भागलपुर की चुनावी सभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। आपको बता दें कि चिराग ने कहा है कि बिहार में शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य की बदहाल स्थिति के लिए वो सीधे तौर पर सीएम नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराते हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ से लोग दूसरे राज्यों में मजबूरी में जा रहे हैं, इसलिए कि यहाँ रोजगार नहीं, कल कारखाने नहीं खोले जा रहे हैं, शिक्षा की खराब व्यवस्था है, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर नहीं है। नीतीश कुमार ने राज्य को काफी पीछे धकेल दिया है और क्या कुछ कहा है लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने, आप सुनिए इस वीडियो में। चिराग पासवान मुख्यमंत्री जी से सवाल पूछते हैं कि युवाओं के हाथ में डिग्री आ जाए, क्यों? क्योंकि अगर डिग्री आ गई तो कल को रोजगार मांगेगा, कहां से देंगे मुख्यमंत्री रोजगार? है क्या इनके पास रोजगार देने के लिए? जानते हैं ना, मुख्यमंत्री ने कारखाने खोलने से साफ मना कर दिया। क्या कहते हैं मुख्यमंत्री कि भैया बिहार में समुन्दर का किनारा नहीं, इसलिए कारखाना नहीं खोल सकता। भैया समुन्दर का किनारा तो पंजाब में भी नहीं है, हरियाणा में भी नहीं है, राजस्थान में भी नहीं है, मध्य प्रदेश में भी नहीं है, पर अगर बिहारी वहां पर जाकर काम कर सकता है तो जवाब देना मुख्यमंत्री जी, क्यों यहाँ पर काम नहीं कर सकता? क्यों आप यहाँ पर रोजगार देने के लिए सक्षम नहीं है? क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री की नीयत नहीं है। वो चाहते नहीं कि कोई भी युवा बिहार में रहकर तरक्की करे, वो चाहते नहीं कि कोई भी युवा बिहार में रहकर पढ़ाई करे। क्यों? क्योंकि जब वो पढ़ लिख जाता है